हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सुदेश नायर व्लॉग्स। और आज मैं आप सबके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। और मुझे कल से लग रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं ताकि जो मेरे नए यूट्यूबर्स हैं वो भी मोटिवेट हो सके, आगे बढ़ सके। और मैं आप सबके साथ मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं कि मुझे 2 साल हो गए, मैंने क्या क्या दिक्कतें झेली हैं, कितनी बातें सुनी हैं, किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, किसने नहीं किया। क्योंकि मैंने जितनी चीज़ें मैंने यूट्यूब के लिए झेली हैं तो शायद बहुत मुश्किल होता है 2 साल तक इतनी बातें सुन सुन के भी YouTube पर टिके रहना। तो मैं आप सबके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ। तो मैंने YouTube शुरू किया था 21 अगस्त 2017, और उससे पहले मैंने बहुत मैं वीडियोस देखती थी। मुझे YouTube पर व्लॉगिंग देखना और खाना बनाना सीखना बहुत अच्छा लगता था। तो YouTube पे बहुत सारी जो नॉलेज की मुझे वीडियोस मिलती थी, तो मैं उन सबको मतलब मैं देखती थी और मुझे अच्छा मतलब फील होता था। तो मैं सोचती थी कि मैं भी घर में ही रहती हूँ और क्यों ना मैं भी अपना एक YouTube स्टार्ट कर लूँ, YouTube चैनल। तो मैंने इसके बारे में सबसे पहले अपनी जो मेरी बड़ी ननंद है उनको बताया कि मुझे ऐसे YouTube चैनल स्टार्ट करना है। तो दीदी ने, जो आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखोगे तो वो आलू भिंडी की है, तो सबसे पहले मेरी वीडियो बनाने में मेरी बड़ी ननद ने मेरा सपोर्ट किया था। उन्होंने मेरे साथ मेरी पहली वीडियो भी बनवाई थी, भिंडी आलू कैसे बनाए। और उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा यूट्यूब के को लेकर थोड़े से मतलब मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे शुरू में। मतलब मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर दिया। बड़े नंदोई हैं, मैं उन्हें भाई बोलती हूँ। तो उन्होंने समझाया था कि आज के टाइम में ये कोई बुरा नहीं है यूट्यूब, यहाँ पे लोग कम इसको देखते हैं, उनको नहीं पता है। तो बाकी YouTube कोई इतना बुरा नहीं है कि मतलब आप YouTube के लिए मना कर रहे हो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे YouTube चलाने की जो है परमिशन दे दी। उसके बाद वहाँ से मेरा जो स्ट्रगल शुरू होता है, तो ऐसे हुआ कि मैंने अपने जो सबसे पहले मुझे नॉलेज नहीं थी कि मुझे YouTube चैनल के बारे में किसी को नहीं बताना है। तो यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं मेरी, तो वो हमेशा मना करती है कि ये बात सिर्फ मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, बाकी और किसी को नहीं पता है। तो मेरे रिलेशन अच्छे थे सबसे, बातचीत होती थी, मैं काफ़ी सोशलाइज पर्सन हूँ, मैं लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, फ्रेंड्स बनाना या उठना बैठना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे उस टाइम पे, और मैं बातें भी करती थी। बहुत लोग हैं, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी, वैसे ही मेरे रिश्तेदार भी थे, बहुत से मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार भी थे, मेरे भी रिश्तेदार थे। तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे मेरा सब्सक्राइबर्स का ऐसा कोई टारगेट नहीं होता था कि आपको मतलब 1000 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट करने हैं। तो उस टाइम पे 10,000 व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने सोचा कि जो मेरे रिश्तेदार हैं वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा वो उस टाइम जो ऐसे है चुटकियों में हो जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया, जबकि मेरी जो बड़ी दी है नंद है उन्होंने मना किया था कि सुदेश किसी को मत बताओ इसके बारे में। तो मैंने सोचा दीदी नहीं, ये लोग सब सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब ही तो करना है, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने सब लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो सब्सक्राइब तो किसी ने नहीं किया, जो भी रिश्तेदार थे उस टाइम पर सब हंसते थे मेरी वीडियोस देखकर, उल्टा सीधा बोलते थे, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था उस टाइम पे। लेकिन अब इतना नहीं लगता है, इतना फील मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे इंसानों की पहचान हो जाती है। तो मैंने अब थोड़ा इंसानों को पहचानना सीख लिया। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा मतलब मैं जल्दी से इंसानों को पहचान नहीं पाती थी, थोड़ी सी इमोशनल हूँ मैं, तो मैं नहीं समझ पाती थी। लोग गलत करते रहते थे लेकिन मैं फिर भी माफ़ करके आगे बढ़ती थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाया, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातें सुनने को मिलने लगी। तो मैंने क्या गलती करी कि एक वीडियो डाल दी, फिर मैं एक हफ्ते 10 दिन उनकी बातें सुन के रोई,
उसके बाद फिर मेरे अंदर एक दिन फिर से आया कि नहीं यार मैं अपना काम करूंगी यूट्यूब पे, मुझे नहीं लेना देना कोई कुछ भी कहे। फिर मैंने वीडियो डाल दी, फिर उस वीडियो को लेके लोगों ने टॉपिक बनाने शुरू कर दिए। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लोग उल्टा सीधा वो लोग कमेंटबाजी करते थे, पर्सनल पर्सनल कमेंट वही लोग करते थे जो हमारे रिश्तेदार हैं, पढ़े लिखे हैं या मेरी एज के लोग हैं। तो वो मैं नहीं समझती कि उनको ऐसा कुछ कमेंट उस टाइम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सबने किया। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स की बारी आती है तो रिश्तेदारों ने किसी ने भी नहीं किया, सब उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलने लग गए। तो मेरा जो व्हाट्सअप है मैं आज मुझे कुछ कोई फिक्र नहीं होती किसी की भी कि मैं बताना मुझे जरूरी है कि मेरा जो व्हाट्सअप है, मेरे जो फ्रेंड्स थे बहुत अच्छी खासी लिस्ट थी, लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी मुझे मतलब ये ऐसे सपोर्ट नहीं किया उसके लिए, यूट्यूब चैनल के लिए। मेरे कितने फ्रेंड थे मैं उनसे बोलती थी कि प्लीज़ ये कमेंट कर देना मुझे बहुत अच्छा फील होगा आप कमेंट करो। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मतलब मेरी वीडियोस पे मतलब जैसे ही मैं कमेंट करने के लिए बोलती थी तो वो लोग कहते थे कि जब अच्छी लगेगी ना वीडियो तब हम कमेंट करेंगे, अभी हमें मुझे अच्छी नहीं लगी कुछ अच्छा कर। तो इससे इंसान क्या, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं इंसान उनसे कनेक्टेड होता है, लेकिन वो लोग भी मतलब इस तरीके से बात करेंगे तो इंसान थोड़ा सा टूट जाता है। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने जैसे तैसे करके जनवरी में अपने 10,000 मैंने व्यूज कंप्लीट कर लिए, मेरा चैनल रिव्यू में चला गया। और शायद 21 जनवरी 2018 की बात है ये, 21 जनवरी 2018 में रूल आया कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। फिर उसके बाद में उससे पहले रेसिपीज वगैरह की क्लीनिंग जैसे मतलब कुछ होती है क्लीनिंग टिप्स होती है तो यूट्यूब चैनल पे बनाती थी, मैं सामने नहीं आई थी तब तक। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट कर, व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब के साथ। तो मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं बहुत अपने काम को बहुत लगाव है मेरा इस काम से। तो ये देखो मुझे 2 साल में कोई पेमेंट नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, मैं तब भी अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको मैं उस पर वीडियोस बनाती आ रही हूँ। तो उसके बाद मैंने जो मतलब वो 10,000 व्यूज मेरे ख़त्म हो गए। तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया कि चलो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट करते हैं। तो फिर मैं वीडियोस बनाती रही, कोई ना कोई लोग कुछ ना कुछ बोलते रहे, हंसते थे लोग, मतलब जैसे मेरी रिश्तेदारी है मेरे फोन मेरी वीडियोस देख के फिर दूसरे के पास फ़ोन करते थे, चाहे वो उनका भाई हो कुछ भी हो, तो उससे कहते थे अरे वो तो ऐसी वीडियो बना रही है, हंसते थे क्या कर रही है यूट्यूब पे, पता नहीं क्या पागल हो गई क्या दिमाग चल गया इसका, ये क्या कर रही है और ये और वो और नंगे सर आ रही है, सर पर दुपट्टा भी नहीं है, इसने तो ये कर दिया वो कर दिया। मैंने इतनी बातें सुनी लेकिन उस टाइम मुझे दुख होता था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो मेरे दोस्त थे जो मुझे डीमोटिवेट करते थे, जिनसे मैं उम्मीद रखती थी कि ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और वो ही लोग आज तो हमने ये सुना है, आज तो ये है ये ऐसे कर रही है या यूट्यूब वीडियोज ऐसे अच्छी नहीं बन रही और अच्छा कर, मतलब जैसे मतलब जो भी मुझे लगता था कि ये नेगेटिव वे में मुझे कमेंट कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा साइड में कर दिया अपनी लाइफ में। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड है रजनी प्रताप सिंह, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे पति मेरी नंद के अलावा उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि वो हमेशा कहती थी कि लोगों की बातें छोड़ो बिल्कुल भी, मतलब लोगों की बातों में मतलब आप ध्यान मत दो, आप अपना काम करते रहो, आप बहुत आगे तक जाओगे। तो थैंक यू रजनी मेरी हेल्प करने के लिए, आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है डियर, और हमेशा मेरी वीडियोस पे कमेंट भी करती थी। तो एक उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मेरी कुछ स्कूल फ्रेंड भी है मेरी, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया था। और उसके बाद यही है कि मैंने थोड़ा सा इन सब चीज़ों से मैं साइड में निकली हूँ और मैंने अपने काम पे ध्यान दिया है। मेरे मुंह पे लोग उल्टा सीधा मेरे यूट्यूब चैनल मेरी वीडियोस के लिए बोलते थे, उन सबको मैंने साइड में किया है। और मैंने जो अपनी जान पहचान अपने यूट्यूब पे बनाई है, यूट्यूब पे मैं लोगों से जुड़ी हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प कर लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, जान पहचान हो जाती है। उसके बाद
ऐसे करते करते मैं अब तक अपने चैनल को लेके आ गई, लेकिन मैं कुछ गलती कर रही थी। बाकी मैंने बहुत चीज़ें सीखी है, एडिटिंग मैंने सीखी थी यूट्यूब देख के, जबकि मुझे 0% एडिटिंग आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था एडिटिंग में। मैंने टैग लगाना सीखा है, मैंने थंबनेल बनाना भी सीखा है, मैंने बहुत चीज़ें हैं जो मैंने यूट्यूब पे सीखी हैं, और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, बहुत चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी है। आज मुझे यूट्यूब की बहुत सारी चीज़ें मैं जानती हूँ, पर मैं कुछ गलतियाँ कर रही थी। तो फिर उसके बाद एक टेक रिक्वायर्ड नाम से चैनल है, भाई है वो अनबॉक्सिंग करते हैं, तो भाई थैंक यू, आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था भाई, आप भी मुझे मतलब बताते थे मेरे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस के बारे में। उसके बाद अब 2-3 महीने से मैं टेक्निकल इसरार भाई की वीडियोस देख रही थी, तो मुझे टेक्निकल इसरार भाई की वीडियोस में सबसे अच्छी बात ये लगी कि जल्दी से कोई भी अपना जो जिस ईमेल आईडी से हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उसका पासवर्ड नहीं देता भाई, पे लोग इतना विश्वास करते हैं कि अपनी YouTube आईडी का पासवर्ड तक दे देते हैं। उसके बाद मैंने भाई की बहुत सारे लोग देखे जिनकी भाई ने हेल्प करी है, इसरार भाई ने, तो मैंने उनकी धीरे धीरे वीडियो देखी, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते हैं। अपनी वीडियोज़ के लिए उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है कि हम कैसे अपनी वीडियोज़ को ग्रो करें। तो मैं भाई को 2-3 महीने से फॉलो कर रही थी, और उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने भाई को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मैंने वहीं पे भाई को मैसेज किया था कि भाई मेरी यूट्यूब वीडियोस में ये दिक्कतें हैं, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। तो लकीली इसरार भाई ने मेरी वो मैसेज भी पढ़े भाई ने, उसके बाद भाई टाइम निकाल के मेरे से भाई की बात हुई, तो भाई टाइम निकाल के मेरे घर तक आए मेरी यूट्यूब वीडियोस को देखने के लिए, और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो जो मेरा एक कहते हैं कि 2 साल का जो मेरा स्ट्रगल था, जो मैं मेहनत करती आ रही थी 2 साल से, और किसी ने मुझको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान होता है, आप अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो यही मेरे साथ हुआ कि शायद मुझे पहले से सपोर्ट मिल जाता तो मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं सीखती बिल्कुल भी, क्योंकि मेहनत हम तभी करते हैं जब हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अगर मुझे पहले से ही लोगों का सपोर्ट मिल जाता तो मैं इतना कुछ नहीं सीख पाती जितना मैं आप लोगों से इस टाइम में नॉन स्टॉप बात कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं सीख पाती। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने काम करती गई, लोगों की बातों को मैंने साइड में रख दिया, और अब इसरार भाई मिले, और एक YouTube पे इंसान ऐसा मिला जिसने मुझे पूरी हेल्प करी है, मतलब उसने मुझे बताया कि मेरी वीडियो किस तरीके से ग्रो करेंगी। तो ये भी लक है, ये भगवान का सपोर्ट है जो मुझे मिला है। तो इसरार भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, थैंक यू सो मच इसरार भाई। ये भी कह रहे थे कि इसकी तो निकल पड़ी, तो निकलेगी तो तभी जब हम मेहनत करेंगे, तो शायद मैंने मेहनत करी थी इसलिए निकली और आप हंसते रह गए। तो बस मैं आपसे इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए तो मैं नहीं बोलूँगी इससे आगे। तो निकली मेरी इसलिए है क्योंकि मैंने मेहनत करी थी, और सपोर्ट मेरा मुझे इसरार भाई का भी इसलिए मिला है क्योंकि ऊपर वाला देख रहा था कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मुझे 2 साल हो गए, 2 साल यूट्यूब पर टिके रहना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं टिकी रही। तो इसरार भाई ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, थैंक यू सो मच इसरार भाई, आपने मेरी हेल्प की है, आपने मेरी प्रॉब्लम समझी अपनी बहन की तरह, और भाई आप जैसा कोई नहीं है, थैंक यू सो मच भाई। मैं ये हाथ जोड़ के सबके सामने आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं उस दिन मैं थोड़ी नर्वस थी, ज़्यादा मैं इस तरीके से वीडियो नहीं बना पाई थी इसरार भाई भाई आपके साथ, लेकिन आज मैं सच में दिल से आपके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे सपोर्ट किया यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आपने, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग आपसे बात करने को तरसते हैं, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए बात करना चाहते हैं आपसे, और मुझे बताया कि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, आपको अपना ऑफिस भी देखना पड़ता है, घर अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको भी देखते हो, लोगों की हेल्प करते हो। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरी जो है हेल्प की है, और ये एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और यूट्यूब मेरी जॉब है, और
बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि YouTube मेरी जॉब है और मैं अपनी जो जॉब है उससे बहुत मेरा लगाव है और मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं इसके लिए मैंने YouTube के लिए अपने ढाई हो जाएंगे अब तो, खैर 2.5 साल से, ढाई हो गए, नवंबर है तो 2.5 साल से मैंने नॉन स्टॉप मेहनत करी है, बहुत कुछ सुना है और आज मैं इस लेवल तक आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और आप सबने, यूट्यूब फैमिली, आप सबने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे इसके लिए। शायद सच्ची में ही अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो यूट्यूब पे ही ढूंढिए, उससे बाहर अगर आप सपोर्ट ढूंढोगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं देगा। और मुझे पता है आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी थी। और बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, लगे रहिए अपने काम पे, आप आगे तक जरूर जाओगे। मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत करते रहिए, अच्छे इंसान बने रहिए, क्योंकि हंसाते बहुत कम है, रुलाती दुनिया है। तो बस इंसान अच्छे बने रहिए, इतना ही बोलिए कि किसी का दिल ना दुखे उस चीज़ से, तो बस यही बोलूँगी। और थैंक यू सो मच आप सबका भी, जिन जिन लोगों ने मुझे YouTube पे सपोर्ट किया है, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी। क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं आप सबसे भी थैंक यू बोलूंगी इस चीज़ के लिए। और प्लीज़ आप मेरा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितनी मुसीबतें झेली है इस YouTube चैनल को चलाने के लिए, और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच मेरी इतनी लंबी बातें सुनने के लिए। और अब एक नई वीडियो में, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, बाय।